तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। हमारे और एक न्यू प्रोजेक्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं आज क्या प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, अब मैं आप सबको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ा है इस बार का प्रोजेक्ट के लिए। इस वाले प्रोजेक्ट को मैं बाद में बताऊँगा कि क्या चीज़ का प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, हर बंदे को ज़रूरत है। जो बंदे यूट्यूबर है, जो बंदे वीडियो शूट करता है, उसके लिए गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिवील नहीं करने वाले हूँ, तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से बना के फिटिंग करके मैं इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, सामान की ज़रूरत पड़ेगा मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ। तो एक मोटर और कुछ इतना पी वी सी पाइप की टुकड़ा, देख सकते हो मैंने इस तरह से बनाया हूँ। आप अपना हिसाब से बना लेना, आप दिखाएंगे, आप देखोगे तो आप अपना हिसाब से बना पाओगे। कहें कि आपके पास सामान होगा नहीं होगा। उसके बाद कुछ नट्स और ये चीज़ मुझे मिल गया है। अगर ये चीज़ नहीं मिलता है आपको, तो आप लोग को तो इस तरह से बना लेना पीवीसी से। और ये बनाना बहुत ही ईजी है। आपको गैस पे गरम कर लेना और इसका नाप में बना लेना है इस तरह से। किसी के नाप में जिसमें यह लगाना चाहते हो उसका नाप में बना लेना। तो ठीक है, मैं फटाफट से इसको जोड़ के मिलता हूँ आप सबसे। तो फ्रेंड्स, मैं इसको इस तरह से मैं जोड़ लिया हूँ, देख सकते हो। मैं दो होल इसलिए किया हूँ ताकि एक होल करेंगे तो हिलिक पिलिक करेगा, बाकी एक होल में दूसरा होल में कुछ नहीं होगा, अच्छा से फिक्स रहेगा। टाइट करे या ना करे फिक्स रहेगा। तो इसलिए मैं दो होल किया हूँ और दो होल नापी नापी किया हूँ, मतलब एक नाप है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं पर भी लगा सकते हो, सब एक ही नाप है होल। तो इसको फिलहाल नहीं लगाना है, साइड में रख देना है। इसका भी काम है, बाकी आप लगा भी सकते हो नहीं लगा सकते हो, जिस तरह से वीडियो शूट करोगे उस तरह से लगाने के में काम आएगा। तो मैं इसको साइड में रख दूँगा। उसके बाद ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, तो इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा इस यहाँ पर लगाने के लिए। तो सिर्फ इसमें बाकी है कनेक्शन करना और इसको कहाँ पे सेट करना है। तो मैं इसको सेट करके मिलता हूँ आप सबसे। तो देख सकते हो मैंने प्रोजेक्ट बना लिया हूँ। फिलहाल मैं सेटअप वोटअप पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। इस प्रोजेक्ट का ये काम है कि जो वीडियो शूट करते हो उसके लिए ये मैंने बनाया हूँ। क्योंकि वीडियो शूट करने के टाइम तो बहुत ज़्यादा फ़ोन हीट हो जाता है हुआ, क्योंकि हीट एक घंटा आधा घंटा का वीडियो शूट होता हुआ तो गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाता होगा। तो इसीलिए मैं जुगाड़ तरीके से बनाया हूँ ताकि फ़ोन भी हीट ना होए और देखने में भी अच्छा लगे और अपना कोई नुकसान भी ना होए। तो देख सकते हो कितना मस्त तरीके से मैंने फिट किया हूँ। और इसमें ज़्यादा कुछ फिट नहीं किया हूँ। आप इसमें पावर सप्लाई के लिए घर में जो चार्जर रहता है ना, तो उसी सब इसमें पावर सप्लाई दे सकते हो। ये मैंने लगाया हूँ। आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एक ये पड़ेगा और एक ये मोटर, एक ये प्रोपेलर। तब जाके इस वाले को स्क्रीन शॉट ले लो और बोलना कि यही वाला मुझे पोर्ट चाहिए, तो ये दे देगा आपको। बाकी इसका टेस्टिंग करने का, तो मैं इसमें टेस्टिंग अभी तक नहीं किया हूँ। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए आपको इस तरह का चार्जर का ज़रूरत पड़ेगा जो कि मोबाइल चार्ज होता है। तो इसको मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड, मैंने इसमें लगा दिया हूँ। अब इस वाले चार्जर को मैं बोर्ड में लगा दे रहा हूँ। तो बोर्ड में मैं लगा दिया और स्विच दे दिया। तो देख सकते हो कितना मस्त काम करने लगा हमारा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम इधर उधर यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं अपना हिसाब से। देख सकते हो कितना मस्त प्रोजेक्ट काम कर रहा है। थोड़ा सा इसमें आ रहा है नॉइज़, तो उसके लिए मेरे पास सोल्यूशन है। तो देख सकते हो कितना मस्त आ रहा है। मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। हवा देख सकते हो छोटा सा प्रोपेलर के लिए कितना मस्त आ रहा है। तो इस वाले प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो बहुत ज़्यादा काम है। आपका फ़ोन पूरा ठंडा रखेगा, चिल रखेगा, इस तरह से हीट नहीं होने देगा। और किसी भाई ने कमेंट करेगा कि भाई इसमें तो नॉइस वॉइस आएगा, पंखा जो चल रहा है इसमें नॉइस वॉइस आएगा, तो मेरे भाई नहीं आएगा। क्योंकि जिस टाइम आप वीडियो शूट करोगे उस टाइम पंखा को बंद कर देना, इसके बाद जिस टाइम आप ब्रेक लोगे उस टाइम चालू कर देना, मतलब जिस टाइम आप ब्रेक लोगे उस टाइम चालू कर देना, जिस टाइम आप शूट करोगे उस टाइम बंद कर देना। तो नॉइज़ कैसे आएगा, थोड़ा सा दिक्कत करना पड़ेगा चालू या बंद करने में। तो इस तरह का प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और यूट्यूब पे फर्स्ट इस तरह का प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया है। और ये जुगाड़ कैसे लगा, इस प्रोजेक्ट अच्छा काम करेगा या नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो देख सकते हो कितना मस्त आ रहा है प्रोपेलर के साथ वो।
देख लीजिए, इस वाले को मैं बहुत ज़्यादा यूज करने वाले, देख लो फ्रेंड्स कैसा लगा प्रोजेक्ट, मुझे जरूर कमेंट में बता देना जुगाड़ू। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एक वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। गाइस थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हिल रहा है बहुत ज़्यादा फ़ोन, क्योंकि मैं इस पर ट्राइपॉड से नहीं शूट कर रहा, मैं हाथ से शूट कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा हिल जा रहा है इधर उधर, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।